अच्छा हनी सिंह की बात अगर मैं मैंने पतलो सुना जबेंट में ड्रीम था जब हनी सिंह के साथ होता तो लोग ये भी सोचे की अगर वो सैटरडे वाकई में दी हनी सिंह ने किया होता तो क्या निकलना आ आज अगर है तो वो वेट करें इनफैक्ट मैंने अभी तक पाजी को जितने भी मैसेज में मेरी बात होती है हमेशा उन्होंने ब्लेसिंग दी है

देसी वर्जन जो ब्राउन रंग है भी नहीं मैंने सुना हुआ है और सच बताऊँ तो मेरे पास पड़ा भी है बट वो वहां तक चीज ही नहीं इतनी सी भी अगर लाइन और कॉम्पोजिशन सेम हो और कोई वो बोल दे गाना हिट हो सकता होता पता कि आप जब हुड में बैठे हो ना आप हमने एक लाइन लिख ली टॉपिक लिख लिया उसके बाद आप अपना वर्जन बना रहे हो मैं अपना बना रहा हूँ तो आई हर्ड ब्राउन रंग ब्राउन रंग है ही नहीं रो वो एक ऐसा अजीब सा रंग है कि वो डिस्क्राइब भी नहीं हो सकता कौन सा रंग है तो प्रॉपर हनी बाजी का है आयरन बी म्यूजिक क्या क्लास क्या स्वैग लेके आए तो, जो वो इंटरनेशनल फील थी वो पूरा गाना सामने अगर रख दे मैं सामने सुना भी सकता हूँ कि यार ये वाला देसी वर्जन था जो उसका था एक लाइन सेम नहीं है

जो हनी पाजी ने आज तक मेरे साथ गलत नहीं किया मैं कैसे बोल दू मैं खुद देख रहा हूँ म्यूजिक मुझे पता है मैं कब से सुन रहा हूँ ये म्यूजिक कैसे उसका हो सकता है और जो उसका होता है वो नाम दे देते नीचे मैंने नहीं किया पिछली एल्बम में इतनी आई है नीचे लिरिक्स में नाम दे रखे हैं वो गाने वैसे नहीं भी गए जो हनी पाजी के देखो पता लगता है हनी सिंह का यार तो जो चीज़ फैक्ट है फैक्ट है अगर ये होता ना कि मैंने आज बारह में इंटरव्यू दिया होता तो मेरे पास कोई हनी पाजी के थ्रू चीज आ गई होती चौदह में मैंने फिर बोला फिर आ गई होती आज तक दूर दूर तक ले आंदे हनी सिंह और हिंदी बख्शी का तो मेरे, मैं करता ना यार इसमें क्या शर्म है है मुझे आज भी भी कोई बोले फीचरिंग करनी आसान मेरे किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट कर सकता हूँ पैसे तो देने हैं बट मुझे आज भी मेरे लिए ड्रीम वही है हनी सिंह करना करना तो करना है ना सीखा ही वहां से देख के जिससे इंस्पायर वो तो इसमें काई की